हाय मदन चलकर में आपका स्वागत है। अगर आप भी चाहती हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होने पर आपके डिलीवरी में ज़्यादा समय नहीं लगे, फटाफट आपकी डिलीवरी हो जाए और वो भी कम समय में, तो इसके लिए आपको 7 चीज़ें फॉलो करनी हैं। 7 में से 6 वो बातें हैं जो आपने खुद अपने ऊपर करनी है। 7वीं है डॉक्टर जो आपको करने को बोलते हैं, लेकिन उसके लिए आपने मना नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मना कर देते हैं कि मैंने तो ये सब नहीं करवाना। तो देखिए, इसमें आपका ही लॉस है, डॉक्टर तो नहीं करेंगे। तो 6 अगर आपको लेबर पेन नहीं होगा, सर्विक्स का मुंह पूरा ओपन नहीं होगा, तो डॉक्टर सी सेक्शन के लिए बोल देंगे। तो इससे बेटर है डॉक्टर जो आपको बोले वो भी आपने फॉलो करना है। तो ये देखिए हमारे आजमाए हुए फॉर्मूले हैं, ये मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने फॉलो अप किए थे, तो हमारी बहुत ही जल्दी डिलीवरी हो गई थी और वो भी कम दर्द में। तो आइए जानते हैं कौन से वो 7 बातें, फटाफट जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही है, जैसे आपको लेबर पेन होने शुरू जाते हैं तो आप घर से गर्म पानी का शावर लेके जा सकते हैं या फिर गर्म पानी के टब में आप बैठ सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो आप हॉस्पिटल में भी गर्म पानी का शावर ले सकते हैं। गर्म पानी से क्या होगा कि आपकी बॉडी की सिकाई हो जाती है, मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती है, तो आपको ज़्यादा दर्द भी महसूस नहीं होगा। और गर्म पानी से मसल्स रिलैक्स होने की वजह से बेबी जल्दी नीचे की साइड आता है, तो इसलिए आपकी डिलीवरी में भी कम समय लगेगा। दूसरा है कि आपने वॉक करनी है, सैर करनी है। कई लोग जो है हॉस्पिटल में ड्रिप लगाने के बाद में लेटे रहते हैं, लेकिन आपने लेटे नहीं रहना है। फैमिली मेम्बर की हेल्प से आपने जो है वॉक करनी है बीच बीच में। वॉक करने से क्या होगा कि बेबी का जो वजन है उसका दबाव हमारे एक सर्विक्स के ऊपर, बच्चादानी के जो मुंह होता है उसके ऊपर पड़ता है, तो इससे जो है सर्विक्स जल्दी से जल्दी ओपन होने में मदद मिलती है। थर्ड है, आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो। सीढ़ियों का तो वॉकिंग से भी ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि उस पर और ज़्यादा जो है प्रेशर से दबाव पड़ता है बच्चेदानी के मुंह पे, तो सर्विक्स जो है बहुत ही जल्दी ओपन हो जाता है। क्योंकि बेबी का दबाव पड़ेगा तो सर्विक्स के ऊपर पड़ने की वजह से सर्विक्स जो है ऐसे क्लोज रहता है, वो फटाफट ओपन हो जाता है। चौथी जो बात है वो है उकड़ू बैठना। उकड़ू बैठते हो तो भी जो है बेबी का जो दबाव है वो बच्चेदानी के मुंह पे पड़ता है, तो सर्विक्स है वो जल्दी ओपन हो जाता है। आप वहीं पे बेड के ऊपर उकड़ू बैठ सकते हो, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे वो कुछ टाइम के लिए आप उकड़ू बैठ सकते हो, या किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प से आप ऐसे कोई चीज़ पकड़ के आप बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो, ये पोजिशन भी आप अपना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये होगी 4 बातें। 5वीं जो बात है वो है खाने पीने से रिलेटेड। जैसे आपके लेबर पेन शुरू हो जाते हैं तो आपने या तो अदरक वाली चाय पीनी है या फिर हॉट कॉफ़ी आप ले सकते हैं। इससे भी आपके अंदर की बॉडी है उसकी सिकाई होती है, मसल्स रिलैक्स होती हैं, और ये जो है आपके मूड को भी अच्छे करते हैं। जैसे हॉट कॉफ़ी है तो इससे भी जो है सर्विक्स का मुंह जल्दी ओपन होने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलती है। अगर जहाँ तक हो सके तो ठंडी चीज़ों का सेवन कम करें, गर्म चीज़ों का सेवन उस टाइम पर ज़्यादा करें, क्योंकि गर्म चीज़ें होती हैं वो हमारे बेबी को जल्दी बाहर आने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करती हैं। 6 जो चीज़ आपने खुद फॉलो करनी है वो ये कि जैसे आपको लेबर पेन आते हैं तो सांस कैसे लेनी है, अपने ऊपर की साइड सांस नहीं खींचनी है, क्योंकि बेबी आपको जो है नीचे की साइड धीरे धीरे आएगा, नहीं तो जैसे ऐसे नहीं करना, जैसे आपने सांस ली फिर ऊपर ले ली, तो बेबी जो जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर की साइड आएगा। तो उससे बेटर है कि जब आपको पेन आते हैं तब ऐसे सांस लेनी है, यानी नाक से सांस लेके मुंह से आपने छोड़नी है, नीचे की साइड सांस छोड़नी है, ताकि बेबी नीचे की साइड जाए। और जब आपकी बच्चेदानी का मुंह लगभग जो है 8-9 सेंटीमीटर ओपन हो जाता है, उसके बाद आपने जो है नीचे की साइड दबाव लगाना है, जैसे लैटरिन में पोटी निकालते हैं वैसे सेम प्रेशर आपने नीचे की साइड लगाना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका बेबी जो है जल्दी से जल्दी बाहर आ जाता है, और सांस का स्पेसिफिक आपने ध्यान रखना है। लेकिन जो नीचे की साइड पुश करना है वो प्लीज़ स्टार्टिंग में आपने नहीं करना है। जब आपको काफ़ी ज़्यादा लेबर पेन आ चुकी हो, आपको अंदर से फील हो कि आपका बेबी बाहर निकलने वाला है, सिर्फ उसी टाइम फॉलो करना है। अगर आप शुरू से पुश करने लग जाओगे तो पहले ही आप थक जाओगे, तो इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है। 7वीं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो डॉक्टर्स आपको करने को बोलते हैं, डॉक्टर्स जल्दी डिलीवरी हो, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, इसके लिए 4-5 चीज़ें करते हैं। जैसे आपको एनिमा लगाया जाता है,
एनिमल से क्या होता है कि आपको लैटरिन खुल कर जाती है, तो बेबी को स्पेस ज़्यादा मिलता है नीचे की साइड आने में। डॉक्टर आपके वजाइना पे जेल लगाते हैं ताकि जो है सर्विक्स का मुंह जल्दी ओपन हो जाए, और आपको ड्रिप लगाते हैं, उसमें इंजेक्शन लगाते हैं पेन के लिए, ताकि आपका सर्विक्स जल्दी से जल्दी ओपन हो चुके हो जाए। तो देखिए, सारी चीज़ें आपने ज़रूर लेनी है, डॉक्टर को मना नहीं करना है, इसमें आपका ही फायदा है। तो जो डॉक्टर कहे वो आपने फॉलो करना है, जो 6 चीज़ें मैंने बताई है वो आपने फॉलो करनी है। तो आप ज़रूर कीजिए, तो आपके डिलीवरी में कम से कम और आपकी स्मूथली आपकी डिलीवरी जाने वाली है। ऑल द बेस्ट इनके डिलीवरी होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक। अगर आपका कोई भी सवाल अभी भी आपके मन में है तो मुझे कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।